हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास भी है नया जियो फोन 320B और इसमें बहुत ज़्यादा बहुत सब कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है और आप लोग इस मोबाइल को व्हाट्सएप मतलब नहीं चला पा रहे हैं, आप लोग इस मोबाइल को रीसेट करना चाहते हैं, तो आप लोग रीसेट कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से अपने मोबाइल को अपने घर में ही, तो वो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो में। तो कम्प्लीट बने रहे वीडियो में, एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो बिना टाइम गवाए आज के जो वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर बहुत सारे कस्टमर का जो मोबाइल है उन लोगों का मोबाइल जो है हैंग प्रॉब्लम दिखा रहा है या फिर हीट प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो इसे आप लोग किस तरीके से ठीक कर सकते हैं हार्ड रीसेट करके। तो आप लोग हार्ड रीसेट कैसे करेंगे, यहाँ पर आप लोगों का स्क्रीन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों का लाल का बटन है या रेड बटन, तो इस पर प्रेस कर देना है और यहाँ पर नीचे आप लोगों को दिखेगा पावर ऑफ, तो सिंपली पावर ऑफ में ले आकर ये ब्लू वाला जो कलर है इसे नीचे लाइए पावर ऑफ में और सिलेक्ट कर दीजिए, तो इसे ये जो है स्विच ऑफ हो जाएगा। तो स्विच ऑफ होने के बाद आप लोगों को क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, ये जो मोबाइल है स्विच ऑफ हो चुका है। अभी आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर बटन्स है, तो आप लोगों को ये जो स्टार बटन है और ये रेड बटन है, ये दोनों बटन को एक साथ प्रेस कर दीजिए, लॉन्ग प्रेस, ठीक है। तो होने के बाद, ये आ जाने के बाद आप लोगों को जो है ये रेड बटन को जो है छोड़ देना है और ये वाला जो स्टार बटन है इसे प्रेस करके रखना है, तो ये कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा। तो पहला वाला जो जियो फोन था उसमें क्या था, रेड बटन और ऊपर अप एंड डाउन ये दोनों बटन प्रेस करके जो है आप लोग हार्ड रीसेट कर सकते थे, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल अलग है सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद। तो दोस्तों, अभी आप लोग को क्या करना है, ये नीचे वाला जो डाउन बटन है इसमें क्लिक कर देना है, तो आप लोग देख सकते हैं ये आ चुका है। तो आप लोगों को जो अभी क्या करना है, आप लोग यहाँ से जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अभी क्या करूँगा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस, अभी आप लोगों को क्या करना है, नीचे आप लोगों को दिखेगा 5 नंबर में वाइफ डाटा फैक्ट्री रीसेट, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको जो रेड बटन है इसको प्रेस कर दीजिए और प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिख कर आएगा नो या फिर येस, तो आप लोग जो है येस पर लाइए, लाने के बाद फिर से जो है यहाँ पर रेड वाला बटन है इसे प्रेस कर दीजिए सिलेक्ट करने के लिए और फिर से येस कर दीजिए। करने के बाद दोस्तों ये जो है अभी रिबूट होने लगेगा, तो रिबूट सिस्टम में अभी जो है फिर से आप लोग रेड बटन प्रेस कर दीजिए, तो कुछ टाइम लगेगा, तो कुछ टाइम 2-3 मिनट या फिर 1 मिनट भी लग सकता है। तो आप लोग को जो है मोबाइल को इस तरीके से रख देना है, आप लोगों को बैटरी को नहीं निकालना है मोबाइल से और मोबाइल भी आप लोग फुल चार्ज कर लीजिए। करने के बाद ये जो रीसेट वाला जो प्रोसेस है आप लोग कीजिए, नहीं तो मतलब बीच में अगर रुक जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग जो इसे अभी स्टार्ट होने के लिए देते हैं। तो अभी हो रहा है स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप लोगों को जियो फोन के बारे में और कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, ये ओपन हो रहा है, तो ओपन होने के लिए देते हैं। ओपन होने के बाद क्या क्या हो चुका है मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा। दोस्तों, आप लोग कंप्लीट जो है इसे प्रोसेस को फुल तरीके से करना है, तभी जो ये वर्क करेगा। तो दोस्तों, ये आ चुका है, तो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए अपना लैंग्वेज, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोग बाद में करना चाहते हैं इसको तो बाद में भी कर सकते हैं, तो मैं इसे अभी स्किप कर देता हूँ और नेक्स्ट के बटन में क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा जो मोबाइल जो है रीसेट हो चुका है। तो इस तरीके से कीजिए अपने घर में ही मोबाइल को रीसेट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना। तो मैं मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।